शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में दो डॉक्टर पर लगाया महिला ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई गुहार। जानकारी के अनुसार रानू प्रजापति पत्नी भोले शंकर प्रजापति निवासी काना कुंज शक्ति नगर ने बताया कि मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी और वह अपने अंतिम संचरण पर है। ग्वालियर में इलाज कराने के बाद पति को लेकर शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। महिला ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर धीरज सचिव और डॉक्टर सुमेश द्वारा कहा गया कि इनको कीमो चढ़ा कर देखते हैं और उक्त दो कीमो बाजार से मंगवाई गई और उनने महंगे महंगे 5-5 हज़ार के इंजेक्शन भी बाजार से मंगवाए गए जिसे महिला कर्ज लेकर खरीद कर लाई। महिला ने बताया कि पति लगभग 13 से 14 दिनों से मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और बीमार पूर्णता अपने अंतिम चरण पर आ जाने पर डॉक्टर का व्यवहार पूर्णता परिवर्तित हो गया और डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने पति को कहीं और लेकर ले जाओ, हमने तो अस्पताल से छुट्टी कर दी। दोनों डॉक्टर द्वारा महिला के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जहां की धीरज सचिव और सुमेश के द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए कहा जा रहा है कि अस्पताल की कोई धर्मशाला नहीं है जो मेरे पति को यहाँ पर लिटाए रखे, पति को यही और कहाँ ले जाऊँ से उठाकर फिकवा देंगे। महिला ने बताया कि पति का इलाज कराते लाखों रुपए के कर्ज में डूब चुकी हूँ। रानू काना कुंज में नई आबादी। कैंसर से लेके आए हो? कैंसर से, मतलब इन्हें 14 दिन से मतलब कीमो लगी, पहली कीमो दूसरी कीमो पे वो भर्ती हैं और मेडिकल कॉलेज में। तो कल डॉक्टर सुमेश मेरे से बोलते हैं कि है ना 14 दिन हो गए, ये धर्मशाला समझ रखी है कि आप इनको कहीं भी ले जाओ, हमने छुट्टी कर दी। कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर सुमेश थे जब इन्होंने मुझको ये बोला, और डॉक्टर धीरज सचिव थे। इतनी बदतमीजी से व्यवहार कर रहे हैं जिसमें मैं कह चुकी मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं कर्ज ले लेके ला रही हूँ, मेरा लोन पे मकान खड़ा है, कमाने वाला ही बैठ गया मैं सर, नहीं समझ रहे। आज इससे पहले मुझसे सीटी स्कैन भी प्राइवेट कराई और कीमो भी मेरे से प्राइवेट, आयुष्मान को मानने नहीं कर रहे। नहीं कर रहे? आयुष्मान से एक जांच कराई थी तो कह रहे ये ना सही नहीं आती सरकारी जांच, तुम प्राइवेट कराओ, तो मैंने एक प्राइवेट भी कराई है। वेरी गुड।